हम लोग साल भर कंपटीशन के लिए करंट अफेयर पढ़ते रहते हैं, लेकिन करंट में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, स्केलिंग का मुद्दा, जो छात्रों के लिए एक ऐसा मुद्दा है जो उनकी पूरी मेहनत, पूरी जिंदगी, पूरे कैरियर को डिसाइड करता है। आयोग के लिए महज वो एक घटना हो सकती है, एक तकनीकी प्रणाली जिसको वो जब चाहे माने या ना माने, लेकिन छात्रों के लिए ये जीवन मरण का प्रश्न कई बार बन जाता है, क्योंकि इसी के आधार पर छात्र सेलेक्ट होता है या बाहर हो जाता है। यूपीपीएससी के मेंस एग्जाम में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा या आगे करने वाले होंगे, उनको स्केलिंग के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। स्केलिंग को अगर हम बहुत सामान्य तौर पर देखें, बहुत गहराई में आप जाएंगे तो बहुत उलझेंगे, तो आपको कुछ बातें समझ लेनी चाहिए कि वास्तव में स्केलिंग का मकसद क्या था, क्यों स्केलिंग कराई जाती थी। बचपन से आज तक आप लोगों ने जो पढ़ाई की होगी, इतना अंदाजा आपको जरूर होगा कि मूल रूप से दो तरीके के सब्जेक्ट होते हैं, एक आर्ट बैकग्राउंड के सब्जेक्ट और दूसरा साइंस बैकग्राउंड के सब्जेक्ट होते हैं। साइंस में आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। आर्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। आपको पता है कि आर्ट में आप कितना भी अच्छा लिखें, हिंदी साहित्य में सारे क्वेश्चन करके आए, आपको 100% मार्क्स कभी नहीं मिलते। आपको यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, तो तब भी कुछ ना कुछ कट जाएगा, कम हो जाएगा आपका मार्क्स, 80%, 85%, 75% ये अच्छे मार्क्स माने जाएंगे। हाँ, कुछ बोर्ड्स हैं जो बहुत ज्यादा मार्क्स देते हैं, क्योंकि उनकी परीक्षा प्रणाली वैसी है। मैं खास करके पीसीएस मेंस की अगर बात करूं, तो मानविकी विषयों पर आप कितना भी लिखेंगे तो यहाँ पर 75% हाईएस्ट मार्क्स हैं, इससे ज्यादा मार्क्स नहीं आते हैं, एक एवरेज बात है, आप समझ सकते हैं। लेकिन साइंस के सब्जेक्ट्स में अगर आप अच्छा करें, तो यहाँ जो हाईएस्ट 75% है, यहाँ पर अगर ठीक ठाक आप कर देंगे तो ये 100% में कवर हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, 100% यहाँ पर मार्क्स आ जाते हैं। मान लीजिए कि कोई एग्जाम है और उसमें कोई सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट का योगदान 400 मार्क्स का है, एक स्टूडेंट ने ले लिया है आर्ट बैकग्राउंड का सब्जेक्ट और दूसरे स्टूडेंट ने ले लिया साइंस बैकग्राउंड का सब्जेक्ट। आर्ट बैकग्राउंड का जिसने सब्जेक्ट लिया उसको हाईएस्ट मार्क्स आए तो 400 में उसके मार्क्स हुए 280, 290, 300, ये अच्छे मार्क्स थे, बहुत ज्यादा आ गए। और एवरेज मार्क्स आप देखेंगे तो ये आ गए 220-230 के आसपास, जहां ज्यादा लोग होते हैं, ज्यादातर लोग यहीं पर होते हैं। ये तो एक्सेप्शनल है, कहीं 2-4-10 लोगों का, कुछ लोगों का आएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा मार्क्स इसमें नहीं आएगा। साइंस बैकग्राउंड में आप आएंगे तो जितने अच्छे कैंडिडेट हैं उनकी बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 350 से ऊपर मार्क्स आसानी से मिलेंगे, और यहाँ पर एवरेज मार्क्स आपका आ जाता है 260-270, इस तरीके के मार्क्स आते हैं। यहाँ पर कोई आंकड़ा नहीं है कि आपको एक एक मार्क्स बिल्कुल यहाँ पर काउंट करने हैं, बस समझिए कि है मामला क्या। अब ये जो डिफरेंस हुआ, ये आप देख सकते हैं कि 60-70 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस हो गया, यहाँ पर भी आपका 40-50 नंबर का डिफरेंस हो गया, एक जो नॉर्मल मार्क्स है उसमें। अगर इस आधार पर सिलेक्शन किया जाए तो साइंस वाले सब्जेक्ट के जो बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उन सारे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एवरेज मार्क्स जो है वो ज्यादा पा रहे हैं लोग, और ये सब बाहर हो जाएंगे। तो इसके लिए एक उपाय खोजा गया और उसका नाम था स्केलिंग। तो स्केलिंग में किया यह गया कि आर्ट साइड के जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्योंकि साइंस साइड के सब्जेक्ट से बराबर फाइट नहीं कर पाएंगे, तो आर्ट साइड के सब्जेक्ट्स में कुछ मार्क्स पेपर के नेचर को देखते हुए साइंस और आर्ट्स को समान धरातल पर लाने के लिए कुछ बढ़ा दिए जाए। मान लीजिए कि किसी को 220 आए हैं और उसने ठीक ठाक पेपर किया है, पेपर का स्तर सही था, 220 जो मिले हैं ये उस पेपर के लिहाज से अच्छे मार्क्स थे, तो इनको एक आधार बनाया जाए और इसको बढ़ा के साइंस में उसी स्तर पे जो पेपर में मान लीजिए कि 280 मिले हैं तो इसको बढ़ा दिया जाए और इसकी वैल्यू इसके इक्विवेलेंट कर दिया जाए। दूसरा तरीका ये भी हो सकता था कि साइंस के सब्जेक्ट मान लीजिए किसी ने 360 नंबर किसी को मिल गया दोनों पेपर में, और ये पेपर का जो स्तर था तो ये 220 वाले के बराबर ही था, जितना हिस्ट्री में ज्योग्राफी में उसने लिखा था वैसा ही था, कारण केवल था कि वो मानविकी बैकग्राउंड का विषय था तो उसमें मार्क्स कम आए तो इसको घटा दिया जाए, तो 360 को 280 कर दिया जाए, 220 को 280 कर दिया जाए, एक उदाहरण मैं आपको बस दे रहा हूं, तो ये लगभग बराबर हो जाए। एग्जैक्ट कोई ऐसा नहीं कि 280 ही करना है, समझिए इसको। अगर ये ऐसा हो जाए, एक कॉमन जो 280 नंबर हमने यहां पे रखा कि ऐसा हो जाए, तो अब यहां पर आर्ट और साइंस के दोनों विषयों की जो मार्क्स पाने के कारण जो अंतर यहां पर हो रहा था, तो दोनों विषयों की समानता आप स्थापित कर सकते हैं। दोनों विषयों में 280 नंबर यहां पे साइंस वाले को भी घटा के दे दिए गए, स्केल डाउन कर दिया गया, और यहां पर 220 नंबर जो हिस्ट्री या हिंदी साहित्य या किसी सब्जेक्ट में मिले थे तो उनको बढ़ाकर कर दिया गया, तो ये बराबर आ गए। बाकी जो जीएस के पेपर है वो सबके लिए कॉमन है,
जो हिंदी का पेपर है वो सबके लिए कॉमन है, जो आपका ऐसे का पेपर है वो सबके लिए कॉमन है, तो वहां पर ऐसी कोई असुविधा नहीं है, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। आज एक न्यूज है पेपर में, और उस पेपर न्यूज ये है, 2018 से स्केलिंग बंद कर दी, और 2018 से जब स्केलिंग बंद की गई तो जो मार्कशीट अब आ रही हैं, उन मार्कशीट को आप देखेंगे तो उसमें केवल एक मार्क्स आपको देखा मिलेगा कि फला सब्जेक्ट है, और उस सब्जेक्ट का नाम मान लीजिए कि हिस्ट्री है, और उसमें पहले होता था हिस्ट्री पेपर वन पेपर टू, पेपर वन में एक होता था जो रॉ मार्क्स होता था, जो आपका जितना मार्क्स आता था, और दूसरा होता था स्केल्ड मार्क्स, दो मार्क्स इसमें होते थे। रॉ मार्क्स मान लीजिए हिस्ट्री में किसी को मिला है पेपर फर्स्ट में 122 और पेपर सेकंड में मिला है 98, तो स्केल्ड मार्क्स जो होते थे वो कई बार ये 122 को 132 और 98 को 112 कर दिया जाता था। ठीक इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, ये मान लीजिए कि आप बॉटनी की बात कर लें, जियोलॉजी बॉटनी में जो सब्जेक्ट होता है, साइंस बैकग्राउंड का सब्जेक्ट है, यहाँ पेपर वन पेपर टू, और यहाँ पर किसी व्यक्ति को किसी अभ्यर्थी को 165 नंबर यहाँ मान लीजिए 165 आ गए थे, और पेपर टू में यहाँ पर नंबर उसके आ गए थे 145, तो 165 और 145 ये मार्क्स जो थे इनको मान लीजिए, और भी ज्यादा मार्क्स आते हैं इसमें, इसको आप 75 भी कर सकते हैं, ऐसे भी आते हैं, तो इसको स्केल डाउन करके मान लीजिए कर दिया गया 145 और इसको कर दिया गया 122, तो इस तरीके से समानता स्थापित की जाती थी। अब इसको आप काउंट करेंगे तो लगभग मोटे तौर पर यहां पर क्या होगा, मोटे तौर पर ये बराबर हो जाएगा, बहुत बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं, तो ये 244 मार्क्स यहां पर हो गए, और सीधे यहां पर भी आपके जो मार्क्स हुए इसको आप देखेंगे तो 267 मार्क्स हो गए। अभी भी साइंस वाला फायदे में है, लेकिन लगभग बराबर हो गया, ऐसा कुछ कर दिया जाता था। 2018 के बाद जब 2019 से मार्क्सशीट आना चालू हुई तो उसमें स्केल्ड और नॉन स्केल्ड अंकों का विवरण फिर ऐसा नहीं दिया गया, उसमें डायरेक्ट केवल मार्क्स लिख दिए गए कि इस पेपर में इतना मिला, इस पेपर में इतना मिला, और जितना मिला उतना ही अब आपको, जो चाहे उसको आप मानिए स्केलिंग है या नॉन स्केलिंग है क्या है, तो माना गया कि स्केलिंग जो है वो हो रही रही है, इसी कारण से ऐसा किया गया है। तो साथियों ने इधर क्या किया कि आयोग से कहा कि इस पे स्थिति स्पष्ट करिए, आप क्या कर रहे हैं, स्केलिंग का फार्मूला आप बताइए। कई बार पहले भी आयोग मांगे जाने पे स्केलिंग का एक स्टेटिक्स का फार्मूला बहुत लंबा चौड़ा देता है, जिसको अगर समझाने की बारी आ जाए तो शायद खुद भी समझाने में दिक्कत हो बनाने वाले को, क्योंकि इसका कोई निश्चित पैरामीटर भी ऐसा कुछ नहीं है। कई बार मार्कशीट में कभी आपको दिखाऊंगा तो उसमें कई बार सेम सब्जेक्ट में किसी का घटता है किसी का बढ़ता है, ऐसा भी हुआ है। तो अब ये मांग ये है कि ये जो स्केलिंग का फार्मूला है इसको आप दिखाइए, स्थिति स्पष्ट करिए कि आप वास्तव में कर क्या रहे हैं, और कारण विरोध का यही है कि जो मानविकी बैकग्राउंड के विषय हैं वो बाहर होते चले जा रहे हैं, और जो साइंस बैकग्राउंड के विषय हैं, विज्ञान वर्ग के विषय हैं, वो निरंतर अच्छा उसमें स्कोर कर पा रहे हैं वो लोग, तो उन्हीं लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। आयोग ने कहा कि हम एक हाई पावर कमेटी गठित करेंगे, तो ऐसे तो आयोग की सीबीआई जांच भी चल रही है, तो हाई पावर कमेटी का गठन कर दिया गया है ऐसा इन्होंने कहा है, और वो रिपोर्ट देगी। उसमें इन्होंने कहा कि हमने यूपीएससी के लोगों को भी रखा है, संघ लोक सेवा आयोग के लोगों को ही रखा है जो स्केलिंग प्रणाली के बहुत जानकार हैं, तो वो रिपोर्ट देगी, जो विशेषज्ञ कहेंगे उसी के आधार पर हम आगे का निर्णय लेंगे। सांख्यिकी से जुड़े विशेषज्ञों को भी इन्होंने कहा हमने शामिल किया है, जिससे कि स्केलिंग को लेकर किसी तरीके का भ्रम ना रहे। तो ये न्यूज है। अब स्केलिंग अगर नहीं आती है तो ये समस्या तो निश्चित है कि ये जो हिस्ट्री वाला 122 और 98 अच्छा पेपर करने के बावजूद पा रहा था, और बॉटनी वाला 165 नंबर पा रहा है, 145 पा रहा है दूसरे पेपर में। आपको मैं बताऊं, जिन्होंने 10-10 साल हिस्ट्री पढ़ी है, बहुत अच्छा पढ़ाया भी है लोगों को, कई लोग
संपर्क में हैं और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि वास्तव में इस हिस्ट्री के जानकार हैं, उनको लास्ट ईयर्स के एग्जाम में 2020-21 में 168 नंबर 148 नंबर मिले हैं हिस्ट्री के पेपर में। अब ये कहां से मिले हैं, कैसे मिले हैं, ये दोनों 400 में हैं आउट ऑफ 400, 168 मार्क्स, और जबकि उनको पहले मिल चुके हैं 270 के आसपास मिल चुके हैं, 280 के आसपास मिल चुके हैं, अब वो यहां पर आके अटक जा रहे हैं। क्या हो रहा है आयोग इस पे स्थिति अपनी अस्पष्ट करे, और इसी का जवाब आयोग ने दिया है कि हाँ ठीक है, हमने ये बना दिया है स्केलिंग का फार्मूला सार्वजनिक करने के लिए, हाई पावर कमेटी और ये सब हमने गठित कर दी है, और ये सब जो आप लोग मांग कर रहे थे वो सब काम चल रहा है। अब अगर ऐसा नहीं होता है तो समस्या तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब ये कमेटी रिपोर्ट कब सौंपेगी, 2022 में सौंपती है कि 2023 हो जाता है, 24 हो जाता है, और फिर ये रिपोर्ट सौंपती है तो क्या रिपोर्ट सौंपती है? रिपोर्ट पहला तो मुद्दा है कि कब सौंपेगी, दूसरा है क्या सौंपेगी, और फिर ये लागू कब होता है, आयोग कब इसको लागू करता है। छात्रों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ अगर है तो इसको जरूर तुरंत एक्शन गवर्नमेंट को भी, इसमें जो माननीय मंत्रीगण हैं और मुख्यमंत्री महोदय हैं, छात्र हित में ये फैसला ले सकते हैं कि किसी के साथ अन्याय ना हो, क्योंकि जब यूनिवर्सिटीज़ में विषय पढ़ाया जाता है, यूनिवर्सिटीज़ में सारे सब्जेक्ट हैं, हिंदी साहित्य भी है, समाजशास्त्र भी है, राजनीति विज्ञान है, भूगोल है, इतिहास है, वहीं पे फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, अन्य जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के सब्जेक्ट हैं उनको भी पढ़ाया जाता है, तो ऐसी जो स्केलिंग की समस्या के कारण लोगों का बाहर हो जाना ये एक शर्मनाक बात है, क्योंकि पढ़ने वाले की कोई गलती नहीं कि उसको इतिहास अच्छा लगता है या उसने इतिहास पढ़ा था, इसमें कोई उन्होंने गलत नहीं किया था, या समाजशास्त्र पढ़ा था, और अगर आपने लिस्ट में सारे सब्जेक्ट्स को रखा है तो सारे सब्जेक्ट्स की वैल्यू भी आपको समान देने का प्रयास करना चाहिए, और प्रयास क्या है, ये समान होनी ही चाहिए। इतनी बड़ी सूची है, बहुत सारे इसमें वैकल्पिक विषय हैं, मानविकी बैकग्राउंड के, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, साइंस बैकग्राउंड के, तो इसको, इस मुद्दे को अगर गंभीरता से नहीं लिया जाएगा तो समस्या है। आप लोगों की क्या राय है आप इसमें कमेंट करके लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।